दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा गोल्डी बराड की रियल स्टोरी। गोल्डी बराड का रियल नाम सतेंद्रजीत सिंह, जिनका जन्म 1988 में हुआ, उम्र उनकी 34 वर्ष, स्थान कोटकपुरा फरीदकोट पंजाब, जिनका अब वर्तमान में स्थान जो कि अब कनाडा में है, जिन्हें मीडिया के अनुसार एक भगोड़ा गैंगस्टर कहा गया है। दोस्तों गोल्डी बराड की रियल स्टोरी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गैंग इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं गोल्डी बराड की रियल स्टोरी के बारे में। गोल्डी बराड एक गैंगस्टर और कुख्यात अपराधी है जो कि सोशल मीडिया फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अपना आपराधिक ग्रुप चलाता है। आपको ये हम बता दें कि गोल्डी बराड उर्फ बिश्नोई ने वर्ष 2018 में राजस्थान में काले हिरन को मारने के आरोपी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस द्वारा धमकी का संज्ञान लेकर सलमान की सुरक्षा। पंजाब पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार गोल्डी बराड के पिता शमशेर सिंह पंजाब राज्य के पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर ऑफिसर SI के पद पर कार्य करते। शमशेर सिंह को अपने बेटे गोल्डी के कथित तौर पर मर्डर केस में नाम शामिल होने के कारण पंजाब पुलिस विभाग के SI पद के समय से पूर्व ही सेवानिवृत्त होना पड़ा। गोल्डी का एक चचेरा भाई था गुरलाल बराड, जिसकी 11 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ को सिटी एम्पोरियल मॉल इंडस्ट्रियल एरिया में गुलाब बराड अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद विक्रमजीत सिंह मिर्दू खेड़ा और विक्की मिर्दू खेड़ा अगस्त 2021 में माहौली सेक्टर 71 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार विक्की की हत्या के मामले में गैंगस्टर अमित डागर और भूपी राणा का नाम सामने आया। दोस्तों सिद्धू मूसेवाले की हत्या गोल्डी बराड के द्वारा करवाई गई, लेकिन गोल्डी ने ये हत्या क्यों करवाई उसको बारे में पंजाब पुलिस का कहना है कि गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड और उसके सहयोगी विक्की मिदू खेड़ा की हत्या के आरोप में कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाले का नाम शामिल था। गुरलाल की हत्या के बाद से ही गोल्डी अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसके कारण उसने AK-94 ने सिद्धू के ऊपर कई सारी गोलियां राउंड फायर कर उसकी हत्या की। गोल्डी उर्फ लॉरेंस बिश्नोई पर चल रहे आपराधिक मामले, ये हम आपको गोल्डी उर्फ लॉरेंस बिश्नोई के उर्फ पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे कुछ आपराधिक मामलों के बारे में बता रहे हैं। गोल्डी बराड पर अब कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? पंजाब पुलिस के मुताबिक कनाडा के गोल्डी बराड पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों जो कि गोल्डी बराड का असली नाम सतेंद्रजीत सिंह है, जिन्होंने अपना नाम बदलकर अब कनाडा में गोल्डी बराड बनकर रह रहे हैं। गोल्डी बराड कौन है? मीडिया सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड पंजाब राज्य का भगोड़ा गैंगस्टर और अपराधी है जो नाम बदलकर अब कनाडा में है।